बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़े की रेसिपी ले गई हूँ, वो है आलू की मज़ेदार टिक्कियाँ। ये मैंने आलू काट लिए हैं बारीक। इसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए हैं वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उससे पहले, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर वीडियो सबसे पहले आपको फ्री में मिले। इसके लिए बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। ये पोटैटोज लिए हैं मैंने, आलू 3 अदद ये मैंने बारीक काट लिए हैं इस तरह नाइफ़ की मदद से, आप कटर की मदद से भी काट सकते हैं। और ये मैंने ग्राम फ्लोर लिया है, बेसन ये है 1 कप। और इसके लिए जो मसाला जात चाहिए वो नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए मैंने लिया है 1 चम्मच नमक, 1 टेबल स्पून मैंने गरम मसाला लिया है, गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने हल्दी पाउडर लिया है और 1/2 टेबल स्पून मैंने ज़ीरा लिया है। और इसके लिए पानी चाहिए होगा एज़ रिक्वायर्ड। इसका थिक सा पेस्ट बनाना है तो जितना थिक सा पेस्ट बनाने के लिए रिक्वायर्ड होगा वो आप डाल लीजिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। ये मैं एक प्लेट ली है, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है और जो मसाले हैं वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ पानी में। आप डायरेक्ट उसमें भी डाल सकते हैं बेसन में, लेकिन इसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाएंगे और फिर हम यही पानी जो है वो उसमें डाल देंगे ताकि उसमें अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए। क्योंकि अक्सर जो मिर्च होता है इसमें, मिर्च होती है लाल मिर्च पाउडर या नमक, तो उसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं, तो इस तरह इसकी गुठलियाँ नहीं बनेगी। ये इसका ट्रिक है बनाने का। फिर आपको टिक्की में जो है, अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो कभी वो आ जाएगा उसमें डली सी आ जाएगी पीस सा, तो फिर मिर्ची आपको ज़्यादा लग सकती है। ये देखें हर चीज़ अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो गई है इसमें। अब यही पानी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। मैंने फोक लिया है, उसकी मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। ये मैंने पानी जो है वो इसमें डाल दिया है जिसमें मैंने नमक मिर्च डाला था। मैं इसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व करूंगी। अच्छी तरह से मिक्स करना है आपने। आप बेटर की मदद से भी कर सकते हैं, फोक की मदद से भी कर सकते हैं, चम्मच की मदद से भी कर सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो। अब पानी मैं थोड़ा सा इसमें ऐड और करूँगी क्योंकि पानी कम था। जी व्यूअर्स, हमारा जो पेस्ट है बेसन का वो रेडी हो चुका है। ये देखें कितना मज़े का, इस तरह की थिकनेस आपने रखनी है। ये मीडियम थिकनेस है इसकी। कुछ लोगों को थोड़ा थोड़ा मसाला आलूओं पे पसंद होता है। अगर थोड़ा पसंद है तो आप थोड़ा और पतला कर लीजिए, अगर गाढ़ा पसंद है, ज़्यादा थिक पसंद है मसाला, तो आप इसको थोड़ा सा हार्ड रख लीजिए। लेकिन मैंने ये मीडियम आपको बताया है, जैसी आम बाज़ार में मिलती हैं टिक्कियाँ आपको। ये मैंने 1 गिलास पानी लिया था, तो ये देखें ये इतना सा बचा है 1 गिलास में से, ये मैंने इसमें डाला है 1 कप बेसन में। चलिए अब हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको 10-15 मिनट के लिए हम रख देंगे इसको सेटल डाउन होने के लिए, ताकि जो बेसन है वो अच्छी तरह से डिज़ोल्व हो जाए, अच्छी तरह से इसका पेस्ट बन जाए, सेटल डाउन हो जाए। तब हम 10 मिनट के बाद इसको फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। व्यूअर्स, ये मैंने ऑयल गर्म होना स्टार्ट कर दिया है। अब हम टिक्कियाँ बनाएंगे। ये मैं डिप कर रही हूँ इसमें, आप इसमें डिप करके साथ साथ डालते जाइए। ये देखिए व्यूअर्स, मैंने 6 से 7 टिक्कियाँ इसमें डाल दी हैं। जितनी स्पेस हो आप उतनी ही डालें ताकि इनको हिलाने में प्रॉब्लम ना हो। आप मीडियम आंच पे पकाएं इसे, मीडियम फ्लेम पे, ताकि अंदर से आलू जो है वो कच्चा ना रहे।
मैं इनकी साइड चेंज करूँगी। ये देखें दूसरी साइड से ब्राउन हो गई हैं टिक्कियाँ। जब दोनों साइड से अच्छी तरह ब्राउन हो जाएंगी फिर हम निकालेंगे इसको। जो पहले डाली हैं आपने पहले वो साइड उनकी साइड चेंज करें, जो बाद में डाली हैं उनकी साइड बाद में चेंज करें ताकि सारी इक्वली पक जाए। जी बस ये देखें साइड मैंने चेंज कर दी है, अब दूसरी साइड से पक रही हैं टिक्कियाँ। अब हम दूसरी साइड को पकाएंगे और फिर डिश आउट करेंगे। व्यूअर्स हमारी टिक्कियाँ जो हैं वो रेडी हो गई हैं, मैं अब इनको डिश आउट कर रही हूँ और इसी तरह हम सारी टिक्कियाँ बना लेंगे। व्यूअर्स हमारी मज़ेदार जो हैं आलू की टिक्कियाँ वो रेडी हो चुकी हैं, बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी टिक्कियाँ हैं ये। इसका क्रिस्पी बनाने का तरीका ये है कि आप आलूओं को जो है वो पहले वॉश कर लें, काटने के बाद वॉश ना करें, आप पहले अच्छी तरह वॉश कर लें, पहले का पील ऑफ करने से पहले भी अच्छी तरह वॉश करें और काट उसके छिलका उतारने के बाद भी वॉश कर लें, लेकिन कटिंग के बाद आप ना वॉश करें तो ये बहुत क्रिस्पी और मज़ेदार बनती हैं। देखिए कितनी ये मज़ेदार लग रही हैं। और साथ मैंने बनाया है ज़ीरे वाला रायता, इसकी रेसिपी आपको सेपरेट मैं बता चुकी हूँ, आप सर्च कर सकते हैं ज़ीरे वाला मीठा रायता बाय हेल्थ फूड फिटनेस एंड फन सीक्रेट्स। जी व्यूअर्स उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी, आप भी बनाइए अपने बच्चों को खिलाइए, बच्चे बहुत ही शौक से खाते हैं ये, आप रमज़ान में भी बना सकते हैं और लंच बॉक्स में भी बच्चों को दे सकते हैं और स्नैक्स के तौर पर भी इसे ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मोर रेसिपीज़ रिक्वायर्ड हैं, और अगर आपको रोज़ाना के बेस पे रेसिपी चाहिए तो आप हमारा बेल आइकन जो है वो प्रेस करना ना भूलिएगा। इंशाल्लाह हम नई रेसिपी के साथ फिर हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, बाय बाय।